5 सितंबर 1986 पैन एम 73 फ्लाइट ने मुंबई से उड़ान भरी। फ्लाइट को न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन पाकिस्तान का कराची शहर उसका पहला पड़ाव था। कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड हुई। कुछ पैसेंजर उतरे तो कुछ आगे की यात्रा के लिए सवार हुए। पायलट ने टेक ऑफ की तैयारी शुरू की। पैसेंजर जब फ्लाइट में चढ़ रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार वैन एयरक्राफ्ट के पास आती है। इस वैन को इस तरह से मॉडिफाई किया गया था ताकि ये कोई एयरपोर्ट सिक्योरिटी व्हीकल लगे। इस वैन में से 4 आतंकी बाहर आते हैं। कराची एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में ये चारों एयरक्राफ्ट की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। इन सभी के पास असॉल्ट राइफल, पिस्टल, हैंड ग्रेनेड थे और ऐसी बेल्ट भी थी जिन पर इन्होंने बारूद लगाया हुआ था। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि इससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। प्लेन हाईजैक हो चुका था। प्लेन में 4 आतंकी, 360 यात्री और क्रू मेंबर्स के साथ साथ 379 लोग सवार थे। ऐसे हालातों में क्या किया जाए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इन्हीं क्रू मेंबर्स में से एक थी फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा भनोट। हथियारबंद आतंकियों ने सीढ़ियां चढ़ते देख नीरजा भनोट ने तुरंत एक ऐसा काम किया जिसने पूरे खेल को पलट दिया। नीरजा ने इंटरकॉम पर पायलट और उसके क्रू को स्पेशल कोड में ये बता दिया कि प्लेन में आतंकी चढ़ चुके हैं। नतीजा ये हुआ कि आतंकियों के कॉकपिट में पहुंचने से पहले ही नीरजा के तुरंत एक्शन लेने और प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से पायलट और उनके फ्लाइंग क्रू कॉकपिट में ही मौजूद इमरजेंसी गेट से निकलने में कामयाब रहे। पैन एम फ्लाइट 73 को कराची के बाद फ्रैंकफर्ट में रुकना था, लेकिन उस दिन अबू निदाल संगठन के 4 हथियारबंद फिलिस्तीनी आतंकियों का मकसद था साइप्रस और इजराइल की जेलों में कैद फिलिस्तीनी कैदियों को हाईजैक प्लेन के दम पर छुड़वाना। इन 4 आतंकियों की पहचान जायद हसन अबद अल लतीफ सफरीनी, जमाल सैयद अब्दुल रहीम, मोहम्मद अब्दुल्ला खलील हुसैन अल रहायल और मोहम्मद अल मुनव्वर के तौर पर हुई। प्लेन को कंट्रोल करने के कुछ ही समय बाद आतंकी सफरीनी ने यह महसूस किया कि कॉकपिट के अंदर कोई नहीं है। इसके बाद उसे पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। फर्स्ट और बिजनेस क्लास के यात्रियों को प्लेन के पिछले हिस्से की ओर जाने का आदेश दिया गया और उसी समय प्लेन के पीछे के यात्रियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। प्लेन लगभग भर चुका था, इसलिए यात्री गैलरी और डोर एग्जिट में बैठ गए। सुबह के लगभग 10 बज चुके थे। सफरीनी प्लेन से गुजरा और राजेश कुमार नाम के यात्री की सीट पर आया। 29 साल के राजेश हंटिंगटन बीच कैलिफोर्निया के निवासी थे और उसे हाल ही में अमेरिकी नागरिकता मिली थी। सफरीनी ने राजेश से कहा कि वो एयरक्राफ्ट के गेट पर आ जाए और घुटनों के बल बैठ जाए। राजेश के दोनों हाथ अब सिर के पीछे थे। सफरीनी ने अधिकारियों से बातचीत की। आतंकवादियों ने पाकिस्तान सरकार को पायलट देने का हुक्म दिया और कहा कि अगर पायलट नहीं दिया गया तो वो यात्रियों को एक एक कर मारना शुरू कर देंगे। पाकिस्तानी सरकार ने उनकी मांगों को टालना शुरू किया क्योंकि उससे उन आतंकियों पर कंट्रोल पाने का ज्यादा समय मिल जाता। इसके अलावा अगर वो पायलट दे देते तो आतंकी अपने हिसाब से प्लेन को कहीं और ले जाते। लेकिन आतंकियों ने अधिकारियों से ये कहा कि अगर 30 मिनट के अंदर पायलटों को प्लेन में नहीं भेजा गया तो राजेश को गोली मार दी जाएगी। 17 घंटे बीत गए, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने आतंकियों की मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कुछ ही देर बाद आतंकी के अधिकारियों से बहस हुई तो वो होश खो बैठा और उसने राजेश को गोली मार दी। इसके बाद सफरीनी ने राजेश को दरवाजे के बाहर जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद आतंकियों ने सीनियर क्रू मेंबर नीरजा भनोट का रुख किया। दरअसल आतंकी अमेरिकी नागरिकों को ढूंढ रहे थे। उन्होंने नीरजा को अमेरिकी नागरिकों के पासपोर्ट लाने के लिए कहा। जब नीरजा से पासपोर्ट इकट्ठा करने के लिए कहा गया तो नीरजा ने अमेरिकी नागरिकों के पासपोर्ट छिपा दिए और बाकी आतंकियों को थमा दिए। पासपोर्ट इकट्ठा होने के बाद भनोट इंटरकॉम पर आई और ब्रिटिश नागरिक माइकल जॉन को सामने आने के लिए कहा। थेक्सटन पाकिस्तान में छुट्टियां बिताने आए थे और वापस ब्रिटेन जाने के लिए कराची में उड़ान भर रहे थे। 27 साल के स्कूल के टीचर और अकाउंटिंग लेक्चरर पर्दे को पार करते हुए प्लेन के अगले हिस्से में पहुंचा जहां उसका सामना सफरीनी से हुआ। सफरीनी के पास उसका पासपोर्ट था और उसने उससे पूछा कि कहीं वो कोई सैनिक तो नहीं और उसके पास कोई बंदूक तो नहीं, लेकिन उसने ना में जवाब दिया। तब उसने उसे घुटनों के बल बैठने को कहा और अधिकारियों से बोला कि अगर कोई विमान के नजदीक आता है तो वो एक के बाद एक यात्रियों को मार डालेगा। सफरीनी के पास जब वो पहुंचा तो उसने पूछा कि क्या उसे पानी चाहिए। थेक्सटर ने जवाब दिया कि हाँ। सफरीनी ने यह भी पूछा कि क्या वो शादीशुदा है और दावा किया कि उसे हिंसा और ये सब मारकाट बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अमेरिका और इसराइल ने उनके देश पर कब्जा कर लिया है और वो ढंग की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। इसी तरह अपहरण का सिलसिला रात तक जारी रहा।
रात भर ये सब चलता रहा और लगभग 9 बजे पावर यूनिट बंद हो गई, लाइट बुझ गई और इमरजेंसी लाइट ऑन हो गई थी। आगे के यात्रियों को फिर से पीछे जाने को और पीछे वाले यात्रियों को आगे जाने के लिए कहा गया। विमान में अंधेरा होने के बाद L1 दरवाजे पर एक किडनैपर ने प्रार्थना के शब्द बोलना शुरू कर दिया। अब उसका अगला कदम यह था कि दूसरे हाईजैकर की बेल्ट पर लगे एक्सप्लोजिव को वो किसी तरह शूट कर दे। उसका इरादा सभी यात्रियों के साथ खुद को भी खत्म करने का था। हालांकि निशाना लगने के बाद ही छोटा सा विस्फोट हुआ। हाईजैकर्स ने यात्रियों पर हथियारों से हमला किया और ग्रेनेड फेंकने की भी कोशिश की। लाइट न होने की वजह से कई ग्रेनेड के पिन वो सही से नहीं खींच पाए और सिर्फ छोटे ही विस्फोट हुए। नीरजा ने इसी बीच इमरजेंसी गेट खोल दिया और कई यात्रियों को वहां से बाहर निकालना शुरू कर दिया। इसी वक्त एक आतंकी की नजर नीरजा पर पड़ी और ये वो वक्त था जब नीरजा 3 बच्चों को लेकर बाहर जा रही थी। आतंकी ने बच्चों पर गोलियां चलाई लेकिन नीरजा आगे आ गई और गोलियां अपने सीने पर झेली। नीरजा चाहती तो खुद को पहले बचा सकती थी लेकिन वहां उन्होंने फर्ज के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वही नीरजा भनौट जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में अपनी जान देकर 360 यात्रियों की जिंदगी बचाई थी। उनके इस हौसले पर भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से भी नवाजा था। वो भारत का अशोक चक्र पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी और नीरजा की बहादुरी से प्रभावित होकर अमेरिकी मीडिया की सुर्खियों में उन्हें हीरोइन ऑफ हाईजैक का खिताब दिया गया था। हाईजैक की तारीख से ठीक 2 दिन बाद यानी कि 7 सितंबर को नीरजा का जन्मदिन था। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।